नसीम जी, यही नंबर देकर गई थी। नंबर किसका सेव करके गई है? क्या कर रही है मेरे फोन के साथ? ला दे वापस। अरे अम्मा भी, मैं नंबर सेव कर रही हूँ आपके फोन में। आपको कहीं मुझसे काम हो, कोई आपकी बात ना माने तो आप आराम से मुझे कॉल कर सकती हैं ना। ये ले, हो गया, ठीक है ना? ठीक है, शुक्रिया। तुम्हें हैरत नहीं हुई? कल तक ताईजान बाबा की शक्ल देखने को राजी नहीं थी और इसी वजह से हमारी शादी के लिए भी राजी नहीं थी, और आज उनके घर पे रहने के लिए राजी हो गई हैं। ये सब पुरानी बातें करके झगड़ा करना चाह रही हो मेरे साथ? हो झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ हैरान हो रही हूँ। चाचा भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, याद है ना? बिल्कुल याद है, लेकिन बाबा ने कभी ताईजान के लिए इस तरह नफरत का इजहार नहीं किया जिस तरह ताईजान करती आई हैं। शादी से पहले तक तो वो मुझे मेरी शहजादी कह के पुकारती थी, और शादी के बाद उनको इतनी ज्यादा नफरत हो गई मुझसे। प्लीज ईशल, प्लीज जुनेद, मुझे आज दिल की बात कह लेने दो। ताईजान गई है ना घर से बाहर दिल का सुकून लेने के लिए, मुझे भी मेरे दिल की भड़ास निकाल लेने दो आज। ताईजान मुझसे नफरत पता है क्यों करती है? क्योंकि मैं खावर अमीन की बेटी हूं, और इस बात का एहसास मुझे शादी के बाद हुआ है। कितनी सख्ती से बात किया करती थी यार वो मुझसे। शादी के टाइम पे क्या शरायत रखी थी जानते हो ना? अरे खुदा का वास्ता ईशन, ये पुरानी बातों का क्या मकसद है? हाँ तो छोड़ देती हूँ ये बातें, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलूंगी कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। अरे छोटी छोटी बातों पे मुझसे माफी मंगवाई है, कितनी दफा घर से निकल जाने को बोला है, गली में खड़े करके जलील किया है मुझे। क्योंकि असल में मुझे तकलीफ पहुंचाकर वो बाबा को तकलीफ देना चाहती थी। अम्मी ऐसी नहीं है कि चाचा की गलती का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालें। अच्छा ऐसी नहीं है तो कैसी है ताईजान? बताओ तुम क्या बताओगे? मैं बताती हूँ ताईजान कैसी है। तुम जानते हो फरीद भाई और सायरा भाभी के घर औलाद क्यों नहीं हुई? क्योंकि ताईजान नहीं चाहती थी, बल्कि शादी के कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे भी यही कह दिया था कि मैं तुम्हें ये बच्चों के झंझट में न डालूं। ऐसी है ताईजान, ऐसी। Shut up! Just shut up! अजब दास्ता है कि पल में यूं मंजर बदल जाते हैं जो सदियों से साथ रहे।